बाय बाबा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि इस फिल्म में बताया गया इसके प्लॉट में कि स्टेट कैपिटल में हाई क्लास पर्सन जब गायब हो रहे हैं, मिसिंग हैं, तब एक क्राइम ब्रांच की टीम वो तफ्तीश कर रही है अच्छी तरह से और रिजल्ट भी मिल जाता है, जैसा कि नाम है वन डे जस्टिस डिलीवर्ड, है ना। तो आपको लगता है कि अगर गांव में या छोटे क्षेत्रों में ऐसा होता है कुछ पर्सन और हाई क्लास हाई प्रोफाइल पर्सन गायब नहीं होते हैं, एक आम इंसान गायब होता है, तब भी पुलिस इतनी शिद्दत से अपना काम करती है? नहीं नहीं, इसमें तो शायद आपने फिल्म नहीं देखी, अभी सिर्फ ट्रेलर से ही इस सवाल को निकाला है। ऐसा नहीं है, आई थिंक फिल्म एक जज की कहानी है, जो मेरा पर्सनली भी लगता है कि मैं हमेशा सोचता था कि जज जब डिलीवर करता है किसी भी वर्डिक्ट को, वो एक बाप भी होता है एज ए पर्सन, एक हस्बैंड भी होता है, एक भाई भी होता है। तो अगर उसको सबूतों की गैर हाजिरी में एक ऐसा वर्डिक्ट देना है जो वो पर्सनली एग्री नहीं करता, बट बिकॉज रूल बुक में रखा है, कानून के दायरे में रखा है, तो उसको वर्डिक्ट देना है। तो ये कहानी गांव में भी प्लेस हो सकती थी, शहर में भी हो सकती थी, एंड हाउ द क्राइम ब्रांच ऑफिसर कम्स, माउस की, कैट एंड माउस की स्टोरी है। तो इसको सोशली रेलेवेंट तो लेट होता है, सोशली रेलेवेंट ये इस हिसाब से है क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिलीवर्ड डिनाइड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस फिल्म को देखा जाए तो ये इंटरेस्टिंग है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बात अलग है कि जज अपने हाथ में कानून लेता है जो आम जिंदगी में नहीं हो सकता है, बट कानून के उस बात पर कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मुकदमे लड़ते रहते हैं लोग बाग, पर ये उसकी पर्सनल जर्नी है और इनकी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, बेसिकली कहानी उसकी है। और द फैक्ट दैट हमेशा ये हम बोलते हैं, आई थिंक किसी भी केस में या कुछ भी होता है कि वो एक दिन आएगा, काश वो एक दिन आए, एंड आई थिंक इसीलिए वो हमेशा, लाइक सर ने बोला कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसीलिए हमने इस मूवी का नाम है वन डे, कि वो एक दिन आ गया जब जस्टिस वॉज डिलीवर्ड। मैम अगर रियल लाइफ से कंसर्न हम सोचें तो आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या बात से बाबा? कि मतलब टीम जो है उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाती, हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज। देखिए नहीं नहीं आप सॉरी मैं आपको यहाँ कट करूंगी, जो हमारे हिंदुस्तान का डिफेंस है, मेरे खुद फादर रह चुके हैं एयरफोर्स से, मगर जो हमारी हिंदुस्तान की सिक्योरिटी है और आर्मी है उनकी बहुत तारीफ करना चाहूँगी, चाहे वो कोई भी पुलिस वाला हो, चाहे वो एक ट्रैफिक पुलिस वाला है क्यों ना हो। आप देखिए धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, इतने शोर में वो खड़े रह के अपना पूरा बराबर काम करते हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि जस्ट बिकॉज हाई प्रोफाइल केस इसीलिए, मगर वो मूवी में जैसे सर ने बोला, आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ आएगा वो हाई क्लास केस, वो बस एक शब्द यूज़ हुआ है मूवी में, बट वो हर काफ़ी हर लेवल के लोग हैं जिनकी जो गायब हुए हैं और उनको ढूंढ रही हूँ मैं। इसमें कहानी जो समझ, मैंने ट्रेलर देखा आपका, उसमें आप जज हैं फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाते हैं, तो क्लियर नहीं हो पा रहा कि बेसिकली आप उसमें क्या साबित क्या, इसीलिए तो आदमी ट्रेलर बनाता है कि क्लियर ना हो, ताकि क्लियर नहीं हो रहा बेसिकली। बेसिकली इसका प्लॉट जो है फिल्म का 10 मिनट के अंदर पता लग जाता है, तो इसलिए आपको प्लॉट बनाने बताने में कोई मुझे परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि पिक्चर के एंड में पता लगता है कि ये चल रहा था। एक ऐसे जज की कहानी है जो जिस दिन रिटायर होता है उसको उस दिन एक ऐसा हादसा होता है कि ही रियलाइज, उसको जोट लगता है कि मेरे पूरे करियर में जो मैं सोचता था कि मैंने हमेशा जितने भी जस्टिस किए हैं वो बहुत ही सही ढंग से दिखे थे, मगर चार ऐसे केसेस थे जिसमें वो ये जानते हुए कि ये लोग जो हैं ये मुजरिम हैं, मगर उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं हो पाए, और फिर वहाँ से वो उनको ढूंढता है, उन चार मुलजिमों को, और उनको जस्टिस करवाता है और उनको टॉर्चर करता है और उनसे कन्फेशन लेता है। तो ये उसकी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और कैसे फिर क्राइम ब्रांच की ऑफिसर इस बात को ढूंढती है कि ये क्या कौन आदमी है जो ये इनको अलग इनको मार रहा है, एंड देन दैट इज द होल स्टोरी। ज़ायरा वसीम ने अभी उस पर आते हैं बाल, पहले हम वन डे के बारे में बात कर लें। राजेश फ्रॉम दिल्ली 98, आपकी अभी कुछ ही दिनों में ऑटोबायोग्राफी रिलीज होने वाली है, लेसंस लाइफ टॉट मी अननोइंगली। तो और सर आपका जो जीवन जो बहुत है, अभी बहुत चलना है। हाँ, और इस फिल्म में भी एवरी क्राइम रिवील्स अ स्टोरी,
तो सर इन तीनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो आपका जो जो भी मैसेज आता है, और सबसे पहले तो सर मीडिया की तरफ से भी हमारे जितने साथी हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस ऑटोबायोग्राफी। थैंक यू। नहीं, मेरे ख्याल से मैं ऑटोबायोग्राफी के लिए तो अलग से आपसे बात करना चाहूँगा, बिकॉज क्योंकि आपको जाना है कहीं बैठी ना, तो इतनी लंबी कहानी है। आई थिंक हर लाइफ में अलग अलग मोड़ पर कुछ ना कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो आपको, एज एन एक्टर मेरे लिए चैलेंजिंग था, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जैकल एंड हाइड कैरेक्टर है, इन आम जिंदगी में इस तरह के कैरेक्टर को या तो डायरेक्टर या राइटर बोलता कि जब आप अच्छे सभ्य इंसान हो, जब आप बाप का रोल कर रहे हो, जब उसके ग्रैंडफादर हो बच्चों के, तो आप साधुवाद के हो, लेकिन जब आप उनको ढूंढते हैं और टॉर्चर करते हैं तो आप पागल हो जाओगे, थोड़ी आंखें निकाल के एक्टिंग करोगे। बट मेरा कोशिश थी मेरी कि मैं दोनों का रोल ऐसे लगूं कि दोनों बिलीवेबल लगें, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट द नॉवेल्टी फॉर द परफॉर्मेंस इज़ फॉर मी। कि दो ऐसा नहीं लगता कि जो आदमी नॉर्मल है उसको तो ठीक उसके लिए तो ठीक एक्टिंग कर रहा हूँ, और जो सडनली जो टॉर्चर करता है वो कुछ खूंखार हो जाता है, हंसता है या टॉर्चर करता है अजीब सा, तो दैट आई थिंक हैज़ कम अक्रॉस। तो वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आजकल सिनेमा में आप इस तरह की कोशिशें कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि मैं आई एम वेरी प्राउड दैट आर स्टूडेंट ईशा इज वॉज अ स्टूडेंट फ्रॉम आर स्कूल एंड देर वॉज अ पॉसिबिलिटी एंड टुडे वी आर सिटिंग एंड शेयरिंग द सेम प्लेटफॉर्म। मतलब मेरे लिए बहुत इससे बड़ी फख्र की बात और क्या हो सकती है कि आज मैं अपने स्टूडेंट के साथ बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और ये पोस्टर भी हम दोनों के लगे हैं। ये पॉसिबल है तो कुछ भी हो सकता है, तो ये बात करना। हाँ जी, हाँ जी। I'll start by the character. So I think the major challenge for me in this film was getting the accent right, getting the dialect right. Because काफ़ी बार क्या होता है ना, जब आपको कोई बोलते ना एक accent pick करे तो हम इतना ज़्यादा बोल देते कि it becomes a little fake. And अशोक सर हमारे जो फिल्म के director है उनका बस ये था कि जैसे अगर आप बंगाली बोलेंगे, आप बंगाली ना भी बोले मगर कोई बंगाली बोलता है वो लगता है कि अच्छा हाँ थोड़ा एक्सेंट ही से, वो वैसे लगना चाहिए कि आप उस शहर के हैं। बिकॉज बाय द एंड क्राइम ब्रांच ऑफिसर है, शी कीप्स ट्रैवलिंग, हर सिटी पे उनका पोस्ट होते रहता है, तो इट्स नॉट दैट उनकी यू नो ठेठ हरियाणवी होगी। सो आई थिंक दैट वॉज अ बिट ऑफ अ चैलेंज, बट आई लाइक द फैक्ट दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग वुमन, बिकॉज आजकल वी बीन टॉकिंग अबाउट वुमेन टेकिंग इट अहेड, वुमेन being the strong one, and I like this fact that in this movie they've shown a girl being the investigative officer. And coming to Anupam sir, I think even the makers knew from the beginning that it was one of the main reason, of course our script is the hero, but for me it was a big reason to say yes to the film, because you know bolte hai na life takes a full circle, so for me this film is that. 2011 March is when I started my acting course with sir. I'd moved to Bombay, actors prepared, I did the 3-month course, and next thing I know I'm doing my movie in 2019 with sir. So it was a major reason. But plus not only maine inse acting seekhi, I think sir se maine set pe bhi acting seekhi, sir ko dekh ke, wo mujhe nahi sikha rahe the, but chote chote apne new senses pakadna, like I remember first day only jab hamara shoot tha, sir ne na apne पूरे ट्रेलर में अपने शोल्डर पीछे करके रखे हुए, एंड ही टोल्ड मी दैट, रिमेंबर सर ने मुझे बाद में बताया, ही इज लाइक, बिकॉज ज़्यादातर जब किसी बुजुर्ग आदमी को दिखाते हैं वो कंधे झुके हुए, एंड ही केप्ट इट, ही मेड शो इन हिज हेड कि उनके कंधे पूरे पीछे, सो यू नो दीज लिटिल थिंग्स दैट एक्टर एड्स, आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम हिम। हेलो, आप इसमें कॉप की भूमिका निभा रहे हैं, तो ये सर के साथ आपकी मूवी है, देखिए ऑनेस्टली मैं आई थिंक हम पूरी दुनिया में आई थिंक ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि यू नो जो बोलते हैं ना, जो जिस इंसान को दुनिया से फ़र्क पड़ता है वही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, जिसे दुनिया से नहीं फ़र्क पड़ता, जो सेल्फिश होता है वो ज़्यादा खुश होता है, तो आई विश मैं सेल्फिश होती, बिकॉज दुनिया में काफ़ी चीज़ें जो आई थिंक हम लोगों किसी मतलब दुनिया इंसानियत के खिलाफ जा रही है, एंड आई थिंक ऐसा कॉप का रोल प्ले करके मुझे मज़ा आया, क्योंकि पता है कि अच्छा एक गुंडा है, चलो मूवी में ही गुंडा है मगर उसे मार तो पा रही हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपना हाथ साफ करके, क्योंकि आई थॉट कि इट्स इट्स अ
एक अच्छी फीलिंग आती है जब आपको स्टोरी के हिसाब से, मैं बोल रही हूँ एक अच्छी फीलिंग आती है जब खुद ही मैं मूवी देख रही थी, आई लाइक हाँ इसने ये किया, इसको मार पड़नी चाहिए, तो वो अच्छा लगा मूवी करके। हेलो सर, आपने मोर देन 500 मूवीज करी, इस फिल्म में ऐसा क्या खासियत थी जो आपने इसको चुना? नहीं, आई थिंक अशोक नंदा जब हमारे डायरेक्टर जो स्क्रिप्ट को लेकर आए थे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत बार ऐसे सोचता था कि एक जज जो है वो एक इंसान भी है, और वो क्या सोचता होगा अगर उसको अपनी पर्सनल थॉट प्रोसेस के खिलाफ कानून के दायरे में रहकर जजमेंट देना है। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, रोल बहुत अच्छा है, मैं इस पर काम कर सकता था। जैसा कि ऐशा ने बताया कि इसको अलग तरीके से करना चाहता था, मैंने बहुत सारे एल्डरली लोगों के रोल किए हैं, तो शोल्डर आगे को करके मैंने ये पूरे पिक्चर को पीछे को करके रखा है, तो वो याद रहता था। ऑल्सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट द यंगर टैलेंट, मैं यंग लोगों के साथ जब काम करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अपने सर पर 500 फिल्मों का बोझ लेकर नहीं चलता हूँ, मैं अनुपम खेर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ, तो जब मुझे नए नए लोगों से देखने को काम मिलता है तो उनको लगता है अच्छा, मुझे लगता है कि ये इंटरप्रिटेशन इसने अच्छी डाली है, तो उसी तरह से अशोक नंदा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल टू बी। आप फिल्म को देख के आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि मुझे जैसे लगता है कि सेकेंड हाफ थोड़ा सा बेटर स्ट्रेच नहीं होना चाहिए था, बट एज अ फिल्म, एज अ कैरेक्टराइजेशन, एज अ परफॉर्मेंस, आई थिंक आई हैव एंजॉयड इट। नहीं, आई थिंक ये हम मन के विचार होते हैं ना, कि अगर मेरे को मौका मिल जाए कि मैं उन लोगों को एज ए जज जिनको छोड़ा है मैंने, इनको मैं सज़ा दिला सकूं, तो वो पर्सनल लेवल पर ही हो सकती है, बट आई थिंक इसका जवाब तो अशोक ही दे सकते हैं, नॉट दैट इन माई नॉलेज कोई ऐसा बेस नहीं है किसी पर। नहीं, देखिए कानून का पालन तो सिविलाइज सोसाइटी में करना ही पड़ता है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और हर एक को करना चाहिए, मगर एक मैनिफेस्टेशन होती कि काश, जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरा दिल करता है कि जो मैंने मारा एज ए कैरेक्टर, तो मेरी भड़ास निकली कि ऐसा इनके साथ डील होना चाहिए। तो सोसाइटी में बहुत सारे इविल्स हैं, जैसे कब किसी 6 महीने की बच्ची या 12 महीने की बच्ची या 3 साल की बच्ची का रेप होता है, तो एज ए पर्सन यू फील कि मैंने बहुत बार प्लेटफॉर्म बोला कि इसको उल्टा लटका के मार देना चाहिए, बट व्हेन यू आर गिवन ए पोजीशन बाय द अथॉरिटी एज ए सिविलाइज सोसाइटी में आपको रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन बुक्स में, कानून की किताबों में, हाँ आम जिंदगी की किताब में, इसी को कहते हैं कि जानवरों में और इंसानों में क्या फ़र्क है, यही है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट हैं रिगार्डिंग हाउ टू ट्रीट ए विमेन, इफ दैट वाज द स्क्रिप्ट देन इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग। ओके थैंक्स, इसके कोई सवाल नहीं बचा, धन्यवाद। चल हां जी, अभी मैंने आपको हाय नहीं बोला, फिर जल्दी जल्दी मैं आपके हाथ को क्या चले जाए, हो गया दोस्त, देखिए पहली बात तो मुझे अभी किसी ने बताया कि उन्होंने कहा है कि वो उनके ट्वीट नहीं है, तो आई थिंक इट्स अ ट्रेजेडी, आई थिंक इट्स अ ट्रेजेडी दैट अ 16-17 ईयर ओल्ड गर्ल हैज टू टेक अ डिसीजन लाइक दैट, मीन्स आई डू रिस्पेक्ट हर her sentiments, I do respect, it's her individual choice, but as a person I feel it's sad that a 16 year old or 17 year old girl had to take a decision like this of a flourishing career, of a choice. Ek taraf se hum baat kar rahe hain women should, women empowerment ki, ek taraf se hum baat kar rahe hain ki aisa nahi hai, so I think personally I feel it, she should not have done that, but she is an independent girl. True. And our country gives everybody a fundamental right to choose what they want to choose, but the fact that she has gone all out to sort of say that I'm doing it for religion or something like that, it's a certain amount of tilt which has gone into it, but she is most welcome to take her decision. I take it more as a sad, I felt sad when I read that. Okay,
I felt that somewhere she had to take that decision. It is not her decision. Anupam sir, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ. Anupam sir, sir आपको मैंने जब starting से देखा था, आप काफी social मुद्दों को, corruption से मुद्दों को फिल्मों के जरिए उठाते रहे. आज जिस मुकाम पर आप हो चुके हैं, मोदी जी से आपकी direct बातचीत है, powers भी आपके पास. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, और जो आप बोल रहे हैं वो सच नहीं है भैया. डरा रहे हो यार. ओ,